तो आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। तो साथियों, हम इस वीडियो में बात करेंगे ITI में एडमिशन के बारे में कि ITI एडमिशन की डेट कब आ सकते हैं। तो प्लीज़ अगर आप चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ हम पूरे विस्तार से जानेंगे ITI के संबंधित सारी वीडियो हमारे चैनल पे मिलती रहेगी। ITI एडमिशन से लेके ITI क्लासेस तक, ITI एग्ज़ाम तक सारी चीज़ें आपको अच्छे से अच्छी मिलती रहेगी। तो प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आइए हम जानते हैं। तो साथियों, ITI एडमिशन 2023 में जो पिछली बार जो एडमिशन प्रोसेस चालू हुआ था 2022 में, वह जो चालू हुआ था साथियों ऑनलाइन आवेदन जो है जुलाई में चालू हुआ था, क्योंकि पिछली बार जो है हाई स्कूल का जो रिजल्ट है वो लेट आया था। इस बार साथियों क्या है कि आप सभी को पता है कि शुरुआती मार्च के फर्स्ट वीक में ही आप सभी का एग्ज़ाम जो है समाप्त हो गया था, तो आप सभी का जो रिजल्ट है वो मई के फर्स्ट वीक तक आ सकता है। मई के फर्स्ट वीक तक अगर रिजल्ट आ गया तो साथियों 10 या 15 दिन के बाद जो है ऑनलाइन ITI एडमिशन जो फॉर्म है वो चालू हो जाएंगे। मान के चलिए आप 15 मई के आसपास जो है आपके एडमिशन फॉर्म जो है आने चालू हो जाएंगे। तो क्या करना है आपको गवर्नमेंट ITI में अगर एडमिशन लेना है, तो हम आप सभी को बता दें कि सबसे पहले सीटें कितनी हैं जिस पर आप सभी को लड़ाई करनी है। तो आइए हम सबसे पहले आपको वो सीटें दिखा देते। तो साथियों ये देख पा रहे हैं, ये वो सीटें हैं जिस पे आप सभी को लड़ाई करनी है। 304 ITI है पूरा उत्तर प्रदेश में जो कि सरकारी है। प्राइवेट ITI है साथियों 2932 ITI है। इसमें आपको ज़रूरत नहीं है परेशान होने की, इसमें तो आप चाहे जब चाहेंगे एडमिशन मिल जाएगा। 12 ऐसी ITI हैं जो कि गर्ल्स के लिए, महिलाओं के लिए है। तो आपको जो टोटल सीटें हैं साथियों वो हम दिखाते हैं। जो टोटल सीटें हैं वो है 1,72,352 सीटें जिसपे आप सभी को एडमिशन लेना है। और इन सब के लिए पूरा मैंने एक महत्वपूर्ण पूरा वीडियो बताया है, एडमिशन से लेके क्या क्या प्रोसेस होते हैं, कितनी फीस होती है, कितनी स्कॉलरशिप होती है, क्या एडमिशन होता है। उस वीडियो को मैं इस वीडियो के लास्ट में लगा दूंगा, नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, आप उसे देख लेंगे तो पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो साथियों ITI एडमिशन का फॉर्म तब आएगा जैसे ही आप सभी का हाई स्कूल का रिजल्ट जारी होगा। हाई स्कूल के रिजल्ट के 10 दिन बाद जो है ITI का जो है फॉर्म चालू हो जाएगा ऑनलाइन आवेदन करना। तो आपको आवेदन कैसे करना है साथियों उसको मैं बताऊंगा, क्योंकि उस समय आपको ध्यान देना होता है। 3 प्रोसेस होते हैं साथियों, उस कैफे वाले से मत भराना जो कभी नहीं भरा हो, तो उससे भरवाना अपना फॉर्म जो भरा हो, नहीं तो मैं वीडियो बना के 2-3 फॉर्म कैसे भरना है उसके बारे में मैं बताऊंगा, तब आप उसको देख के अच्छे से भर सकते हैं। उसके लिए साथियों अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, सारी जानकारी आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलेगी। क्योंकि साथियों फॉर्म भरते समय आपको 3 बार फॉर्म भर तीन टाइप के फॉर्म भरने पड़ते हैं। पहला टाइप जो होता है वो राजकीय के लिए भरना पड़ता है, दूसरा टाइप जो होता है वो प्राइवेट के लिए भरना पड़ता है, तीसरा टाइप जो होता है साथियों वो राजकीय और प्राइवेट ITI दोनों के लिए फॉर्म भरना होता है। तो कैसे आपको क्या भरना है उसके बारे में मैं अच्छे से अच्छे तरीके से बताऊँगा, समझाऊँगा और आपके सामने भर के भी दिखाऊँगा, उस हिसाब से आप सभी को फॉर्म भरना है। तो साथियों जैसे ही अगर फर्स्ट वीक में, मई के फर्स्ट वीक में हाई स्कूल का रिजल्ट आ जाता है, तो 15 मई के आसपास से समझो आपका ऑनलाइन आवेदन चालू हो जाएगा। उसके बाद नहीं तो ये मान के चलिए कि मई के लास्ट तक आप सभी का आवेदन होना, शुरुआत होना जो है निश्चित है। तो जैसे भी होगी साथियों आपको स्टेप बाय स्टेप मैं बताता रहूँगा आगे क्या क्या करना है, ताकि आप सभी का एडमिशन हो जाए, क्या क्या डॉक्यूमेंट, क्या क्या चीज़ चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं बताता रहूँगा। तो प्लीज़ चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।